महाराज, मेरा ये सफर जा पहुंचा है शाहजहांपुर जिले की ददरौल विधानसभा सीट पर। जानने के लिए क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, समझने के लिए जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या रह गए अधूरे, तो आइए चलिए मेरे साथ। हमें अगला बढ़िया लग रही तो किस मोदी की सरकार में 200 रुपया किलो कड़वा तेल बिक रहा है। गरीब आदमी 300 रुपया की लेबरी कर रहा है। पंजाब 1 किलो कड़वा तेल लीजिए, बच्चा बच्चे के लिए काग लेके जी। मोदी हुई और का योगी हुई और का क्यों हुई है? ये पक्के हुई ने विकास करो है। कमल का फूल आने वाला है फिर भी। हाँ, और राशन आदन सबको फ्री मिल रहा है, खाने पीने को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। और भी सरकार आई है, कभी भी सुविधाएं नहीं मिली हैं। एक बात बताओ भैया, क्या लग रहा है मूड चुनाव को लेकर? हमारे यहाँ योगी जी होंगे जी। क्यों लग रहे हैं? इसलिए उन्होंने काम अच्छे किए हैं। क्या काम अच्छे किए? काम जो है, पहले रोड तो खराब थे, पानी भरा रहता था, अब जो है नाली भी बनवा दे, रोड अच्छी बनवा दे। बीजेपी आए, बीजेपी ने क्या किया? और सरकारें खाती रही हमारी, बीजेपी ने क्या किया? हमारे शाहजहांपुर के इनके हजारों करोड़ रुपया दिया, आज तक कोई भी सरकार इतने आई कुछ भी कुछ दिया? अब कितना डेवलप हुआ हमारे शाहजहांपुर का? हम तो सपा समाजवादी पार्टी वोट देंगे, सीधी बात है। क्यों देंगे? अरे इन्होंने कोई विकास काम तो किया नहीं, बातें कि जरूर करी है विकास की, बहुत तगड़ी। अखिलेश यादव भैया को देंगे। अखिलेश यादव जी, योगी जी ने काम नहीं, कोई काम नहीं किया। इस सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, हम लोग मतलब हमारी स्थिति नहीं है ऐसी, और नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते। काम बंद पड़े हैं, मजदूरी भी कहीं सही मिल नहीं रही है। लोग 200 रुपये में 12 घंटे खालू दे ले, 12 13 घंटे और क्या। अब क्या आएगा कौन हम बताएं, अब वोट तो मोदी ही को जाएगा फिलहाल। मायावती भी अच्छे हैं, अखिलेश भी अच्छे हैं, बहुत परेशानी है। हम तो झोपड़ी में रह रहे, कुछ बना नहीं है कुछ। अब बताओ, कह रहे ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दे रहे। काम क्यों? काम थोड़ा देर तो सभी कोई करते हैं। चलो योगी जी ने करो काम, बढ़िया करो। हाँ, बढ़िया। आने चाहिए दोबारा के परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, तो परिवर्तन भी हो, अच्छा काम हो, और आना चाहिए उनको दोबारा। अरे चुनाव तो जो तो सही नहीं है भाई, अब साइकिल वाले को बनाओ। कोई साधन ना ही, कुछ भी नहीं, गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, 300 रुपये का 250 रुपये मिलते हैं, बताओ इतने में क्या होगा। हमें बढ़िया नहीं लग रहा सरकार का, तो सरकार में महंगाई बहुत है। ये मीटर लगा हुआ, मोदी जी ने मीटर लगवा दिया, ये तो 50 रुपये पड़ रहे, 100 रुपये पड़ने लगे, सब महंगाई महंगाई है। गैस सिलेंडर दिए फ्री में, 1000 में गैस सिलेंडर पड़ रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज़ महंगी मिल रही, 5 किलो राशन मिलता है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। चुनाव में इस बार तो अखिलेश 100%, सारा कार्य जो है अखिलेश का ही किया हुआ है, योगी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। ददरौल विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 2017 में बीजेपी के कैंडिडेट्स यहां से जीते थे, यानी सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। अब 2022 को लेकर बदलते सियासी समीकरणों के बीच तमाम राजनीतिक दल इस सीट पर नजर गढ़ाए हुए हैं। अगर बात करें तो ये सीट कांग्रेस का भी गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन कांग्रेस के इस गढ़ को बीजेपी ने 2017 में छीन लिया। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो ठाकुर और किसान बाहुल्य ये इलाका है, यानी इन दोनों का जो मिक्सचर है वो किसी भी कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित करता है। हमें साइकिल पसंद, और मोदी ने हमारा पैसा जो मिलते तो बहुत बंद, बिल्कुल नहीं मिलती। इस बार मूड लग रहा है योगी सरकार को हटाना है, पक्का हटाना है। किसान आंदोलन का असर है? किसान आंदोलन का असर बहुत बड़ा है। किस लिए? झूठ बोल बोल के तो सरकार बनाई है, ठीक है, कोई का ऐसा कार्य नहीं किया है इस सरकार ने जो किसान हित हो या मजदूर हित हो, कोई हित नहीं किया है।